इस क्वेश्चन में हमारे को क्या करना है, क्वेश्चन रीड करते हैं। द टू डिजिट नंबर विच बिकम 5/6 ऑफ इटसेल्फ, वो नंबर 5/6 हो जाएगा खुद का, ठीक है, व्हेन इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड, द डिफरेंस इन द डिजिट्स ऑफ द नंबर बीइंग 1, देन द वैल्यू ऑफ टू डिजिट नंबर क्या होने वाला है। ओके, ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी एंड डी, नन ऑफ दिस। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले मैंने मान लिया कि मेरा जो टू डिजिट नंबर है वो होने वाला क्या है। अगर मैंने कई बार बताया कि अगर मैं एक्स वाई नंबर ले लेता हूँ तो मैं इसको क्या 10x प्लस y फॉर्म में लिख सकता हूँ। जैसे कि मैंने कई बार बताया 36 नंबर अगर मैंने ले लिया तो ये 10th प्लेस पर है और ये 1th प्लेस पर है, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 10 × 3 + 6। ऐसे ही मैंने इन दोनों को देखिए यूज किया हुआ लिखा, ठीक है। सो मैंने मान लिया यहाँ पर मेरे पास इफ टू डिजिट डिजिट्स आर एक्स एंड वाई, मेरे पास जो दो डिजिट हैं वो एक्स और वाई है, देन द नंबर जो है वो हमारे पास क्या होने वाला है 10x प्लस वाई। तो मैंने लिख लिया कि अगर अब यही नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर अगर मैं इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर रहा हूँ तो ये नंबर क्या हो जाएगा 5/6 ऑफ इटसेल्फ, खुद का 5/6 हो जाएगा, ठीक है। तो बस ठीक है भाई, मैंने अगर इसकी डिजिट्स यानी कि अगर मेरे पास 10x प्लस वाई था, अगर मैं इसको 10y प्लस एक्स लिख रहा हूँ तो ये नंबर खुद का क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ओके, नाउ 5/6 होने के बाद ये क्या होता है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो सिंप्लीफाई करने पर ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो x अपॉन y इक्वल्स टू 5/4, ठीक है, आप इसको ऐसे कर लेंगे। नाउ उसके बाद उन्होंने कहा है द डिफरेंस, मैंने पहले भी मान लिया होगा, माना है कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस y द डिफरेंस इन बिटवीन x एंड y वो 1 है। सॉल्विंग, मैंने यहाँ पर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे आपके पास x और y की वैल्यूज जो है वो आ जाने वाली है। x की वैल्यू आ गई आपकी 5 और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, तो नंबर आपका क्या हो जाएगा, नंबर आपका फाइनली हो जाएगा, क्योंकि x आपका 10th प्लेस पर है 5 एंड 4, तो नंबर आपका 54 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं कि ये आपका 54 इसका आंसर आने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन को बस आपको थोड़ा सा केयरफुली रीड करना है और देन उसका आंसर देना है। ओके, थैंक यू।